हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अभी जो है आज पहले तो आप सब लोग को जुम्मा मुबारक। और आज जो है काफ़ी दिन बाद ब्लॉग बनाने का मकसद ये है कि आज आप लोग को बताना है कितने दिन से मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना रहा और बेबी के बाद लोगों की डेली रूटीन क्या हो जाती है। मेरी आँखें अभी भी देख रहे हो ना, लाल सुख पड़ी है, आप लोग सही है ना? ये इसी वजह से कि 15-20 दिन होने वाले, मतलब 6 तारीख थी आज, 6 तारीख 23 या 24, मतलब वही 17-18 दिन हो चुके हैं। 15 दिन बाद डॉक्टर ने बोला था कि बेबी की सुन्नतें कराने के लिए लियान, क्योंकि आगे जाके जब बड़ा होगा तो मसले हो जाएंगे। तो अभी जा रहे हैं, 15-20 दिन में इसने सोने नहीं दिया। सुन्नतें होने वाले देने के बाद ये सोने देगा या नहीं देगा? 40 दिन तक ये आंखें सुर्ख लाल ही रहेगी, सही है ना? हॉस्पिटल तो चले आए, देखते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहता है। 15 दिन जो है हम लोग ने इतने मुश्किल से उतारे, अभी आगे जो है इसकी सुन्नतों के बाद क्या चलते हैं, हमारा हाल ही बुरा करता है। सब माँ बाप लोग को है ना, बच्चों के लिए बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है और अभी हम लोग दोनों भी तकलीफ़ उठा रहे हैं, लेकिन अल्लाह पाक के जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि औलाद की नेमत से नवाज़ है। और इसके साथ खेल के सब चीज़ें करके टाइम पास होता है, ऐसा ऐसा बड़ा हो रहा है ना, हर चीज़ का जो है पता चलता जा रहा है। तो चले आएँ, होकर आते हैं हॉस्पिटल से, साथ आ जाए। हॉस्पिटल हम लोग आ चुके हैं, कार्टून मुन्ने को लेके जा रही है, सही है ना? यार इसकी टोपी नहीं पहनाई अभी जो है हम लोग इस खतना के लिए, हम लोग ना वहाँ जाना है इतना लंबा चल के पीछे की तरफ, हिम्मत बर्दाश्त नहीं हो रही। मम्मा का इंतज़ार कर रहे हैं, मम्मा आएगी तो ही जा सकेंगे। बिल करा के आए हैं, सर्जरी का अलग, डॉक्टर का अलग। डॉक्टर से पहले बात हुई, डॉक्टर ने हम दोनों मियाँ बीवी को बाहर भेज दिया, बलापुर दो घंटे जाके बाहर बैठे हैं, सही है ना? और जब सर्जरी हो जाएगी फिर आप लोग को बुला लेंगे, सही है? आप दोनों के अंदर हिम्मत बर्दाश्त नहीं, क्योंकि सांस ही बंद हो रहा था इसको देखते देखते। डॉक्टर ने बहुत हिम्मत दी है, बताया कि ना उसको दर्द होगा ना तकलीफ होगी, इस चीज़ की गारंटी दी है। मम्मा अंदर ही देखे, मम्मा नहीं आ रही थी, बोला मम्मा को भी बोला बाहर खाए, अब बेबी दे दें हमारे को, हम आपको दे देंगे। अब बस वेटिंग पे बैठे हुए हम लोग, कितना टाइम लगता है फिर आवाज़ देंगे लोग। बच्चा मेरा हो ही नहीं, बस अंदर ना सांस बंद हो रहा है, हम दोनों का बर्दाश्त नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा। ऐसा अल्लाह के बोला भी ये तकलीफ वकलीफ नहीं होगी, कि पैसे वैसे कुर्बान है उसके ऊपर, लेकिन ना सांस बंद हो रहा है, अल्लाह पाक रहम करे। वापसी आए फिर देख। दोस्तों व्लॉग हम लोगों ने स्टार्ट किया था सुबह, सही है ना? सुबह हमारी हो गई थी हालत ख़राब और हम लोग जो है आगे व्लॉग कम्प्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि इलहान की जब खतना हुई, मतलब सुन्नत उसकी हुई, तो इतनी उसकी हालत ख़राब हो गई थी अलीना और मैं, हमारे सब्र और बर्दाश्त हमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। व्लॉग व्लॉग तो करना याद ही नहीं रहा, क्योंकि वो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, तकलीफ़ के अंदर था कि हम लोगों को कुछ याद ही नहीं रहा। सारा दिन उसके बाद हम लोग ख्वार होते रहे होते रहे, जब उसको जाके शाम में आराम आया दवाइयों के बाद जाके वो सोया, उसके लिए हम लोगों ने दवाइयाँ वगैरह जो है डॉक्टर ने दी। दर्द की फ़ौरन तो आराम नहीं आता, लेकिन उस वक्त की जो तकलीफ़ थी ना, उसके आंसू इतने निकल रहे थे ना कि मैंने उसको पहले दिन सब तक आंसुओं से रोते हुए नहीं देखा था। बहुत तकलीफ़ से वो बच्चा निकला, अल्लाह पाक कबूल करे, सही है ना? हर चीज़ को अभी जो है हम घर की सेटिंग कर रहे हैं, इलहान से मैं आप लोग को मिलाता हूँ, सही है ना? थोड़ी देर के अंदर अभी जो है कमरे की सेटिंग को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ना ये हम लोगों ने बेड ऐसे किया हुआ था ना, तो मेरे को ना बार बार खुटका होता था, क्योंकि इस तरफ जो है ना ऐसे ऐसे करके ना किबला है, तो बस मुझे ऐसा लगता था कि पैर इस तरफ जाते ना तो नींद बेचैनी होती रहती थी। मैंने बोला इसकी सेटिंग उस तरफ करें, कमरे की थोड़ी सेटिंग चेंज करें कि हम लोगों को आसानी हो जाए। तो अभी शाहजेब को बुलाया, शाहजेब साहब भी गिर गए माशाल्लाह से, अल्लाह पाक ने बचाया भाई साहब, पता नहीं क्या दुख हमारे को लेके आते रहते हैं। तो अभी शाहजेब और मैं इस कमरे की सेटिंग कर रहे हैं, मानों को अरमान को भी बुला लिया, बेड को उस तरफ करेंगे, थोड़ा सा ना सेटअप वेटअप मैं बनाऊँगा अपने काम का। और ब्लॉग करना लाजमी है, सुबह छोड़ दिया बनने के खातिर, अब एक चीज़ है जिससे मेरा घर चल रहा है तो करना लाजमी है, सही है ना? तो साथ रहें, अभी देखते रहे क्या सेटअप है। सो फाइनली दोस्तों आज जो है कोई ये चौथा दिन स्टार्ट हो गया, मतलब ना ब्लॉग का, सही है ना? 4 दिन लग गए मुझे एक ब्लॉग बनाने के अंदर, घर की सेटिंग करी, इलान जो है वीडियोस नहीं बनाने दे रहा ना ब्लॉग बनाने दे रहा। बेटे का नाम ठीक से लिया करो, इलान। मेरी मर्जी, मेरा बेटा है, मेरा इलान, 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 उसको मस्जिद का इलान बना दिया। हम लंबा नहीं करते ना, हम प्यार से बुलाते, सही है ना? मैं अपने बच्चे को गंजू बाबा बोलता हूँ, गंजू है ना वो तो वो जो है ना, अब उसके साथ हम ना वीडियोस बना सकते हैं ना कुछ, क्योंकि उसको 1 हफ्ते या 10 दिन तक ना पेम्पर में ही रखना है। अभी जो है 3 दिन हो चुके हैं वो पेम्पर में घूम रहा है पूरे दिन घर के अंदर ना, और उसने इतना तंग किया हुआ है ना इस दौरान, 3 दिन हो गए हम लोगों को, 3 दिन आ गए, 3 दिन के अंदर मेरा व्लॉग ही कम्प्लीट नहीं हुआ। मैंने घर के कमरे की सेटिंग देखे, ये पूरे कमरे ने अपने वहाँ पर लाइफ की सेटअप कर लिया, उस उधर कोने पर वो लगा के, सही है ना? हाँ माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। और ये बेड को इधर करके इलान की चीज़ें वीज़ें बेबी कोट वगैरह वो हमने दूसरे कमरे में कर लिया, क्योंकि झूलों में वो सोता नहीं है, बस वो बिस्तर है माँ के बराबर में इसका, सही है ना? ये बिस्तर के अंदर बस यहाँ सोता है, बस माँ के साथ जब लेटा रहेगा ना तब सोएगा, वरना उसको किसी झूले में डाल दो, किसी चीज़ में डाल दो, वो नहीं सोता। और उसको सारा दिन मैं संभालूँ, उसकी दादी संभाले या उसका चाचू संभाले, जो भी संभाले ना, इतना तंग करेगा, जब माँ की गोद में आ जाएगा ना तब 2 मिनट में चुप हो जाता है। पता नहीं क्या अल्लाह पाक ने माँ के अंदर ऐसी चीज़ रखी है कि आते साथ ही चुप हो जाता है और सुकून से लेट जाता है, सो जाता है। माँ के पास नहीं हो तो पूरा दिन रोता रहेगा, रोता रहेगा।
लेकिन अल्लाह का पाक का जितना शुक्र अदा करूँ तो मैं, मेरा बच्चा बहुत सब्र वाला है। पहले दिन रोया, खतना होने के बाद पहले दिन वो रोया, लेकिन उसने 3 दिन हम लोगों को नहीं तंग किया बिल्कुल भी। दवाइयाँ डॉक्टर ने जो दी वो टाइम पर उसको खिलाते रहे सारी चीज़ें। अब जो है उसकी रूटीन बनती जा रही है, अभी आप लोग उससे मिलाते भी हैं उसके बाद। आमीन आमीन, बस सारे दुआ करें क्योंकि बस ये 40 दिन पूरे हो जाएंगे, फिर उसका फेस रिवील करके मैं डेली व्लॉगिंग पर आ जाऊँगा। अभी तो नहीं बना पा रहा क्योंकि औलाद जो है ना, अल्लाह पाक आप लोग से इम्तिहान लेता है। औलाद ऐसी चीज़ है ना, सारा दिन आँखें छुपा देंगे, आँखें छुपा देंगे, आँखों पर उसकी बहुत नज़र लगती है, सही है ना। तो अभी ऐसा सीन है कि ऐसा टाइम जा रहा है ना कि टाइम का पता ही नहीं चल रहा है भाई। नींदें तो पूरी हो नहीं रही, 20-25 दिन हो गए बस उसके साथ जाग जाग के, उसके साथ बैठ बैठ के, मतलब ऐसा है कि सारा दिन आप लोग गुजार लो ना वो तकलीफ परेशानी में, 2 घंटे उसका खेल लो सारी तकलीफ परेशानियाँ दूर हो जाती है। बातें करता है मेरे से, बताओ। तो अभी थोड़ी देर में उससे मिलाता हूँ आप लोगों को, मतलब वैसे भी फेस वेस तो दिखाना नहीं है इस वजह से मैं उसको बार बार ला नहीं रहा हूँ, सही है ना। बस दुआ करें जल्दी से उसका ये क्या बोलते हैं ना, दर्द तकलीफ खत्म हो जाए, फिर आगे हम अपने डेली ब्लॉगिंग पर आ जाए। आज 28 तारीख तो हो गई, 6 तारीख को उसको 1 मंथ भी हो जाएगा, तो साथ रहे और इन्जॉय करते रहे इस ब्लॉग को। तो दोस्तों गंजू को अभी दिखाना तो नहीं था, लेकिन अब जो है दिखाना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग अभी गए थे लास्ट टाइम ना, क्या नाम है काका गारमेंट ना, तो इसके लिए ना एक सूट अलीना को पसंद आ गया था उसने ले लिया। हम लोग इसको अभी क्या बोलते हैं 4 दिन हो गए कपड़े तो मतलब ना पहनाए, से ऊपर शर्ट ही पहनाई है, नीचे ये पेम्पर के अंदर ही है क्योंकि वो क्या बोलते हैं ना खतना की वजह से। बस 2 दिन की और बात है या 1 दिन की बस ना, क्या बोलते हैं वो फिर जब रिंग हट जाएगा ना तो फिर ये डेली कपड़े वगैरह सारी चीज़ें पहन सकता है। लेकिन अभी इस नलीना ने इसको निलाया है ना, क्योंकि डॉक्टर ने डेली निलाने का बोला है, नीम गर्म पानी में निलाया है, तो अब इसको ना सर्दी लग रही थी ना, तो अलीना ने इसको कपड़े पहना दिए। देखो आपको चेहरा मैं इसका जो है वो कर दूंगा। अभी अलीना इसको तैयार कर रही है और ये ना इधर मेरी तरफ ही देख रहा है, मैं बातें कर रहा हूँ। गर्म हो जाएगा ना फिर इसके कपड़े फिर ये उतार देंगे। ये नए कपड़े लाए, इसको इतना सब्र नहीं है कि बस मेरे बच्चे के कपड़े पड़े मैं इसको पहनाऊँ। जितने सूट इसके लिए ले आऊँ ना सारे पहना चुकी है और बोले मेरे बेटे के कपड़े नहीं है। अलग अल्लाह पक्का शुक्र है पूरी अलमारी कपड़ों से भरी है बेटे के। कार्टून जो है ना हमारे तो मस्तियाँ करता रहता है जब ये देखता है ना, मतलब खाली मैं बचा हूँ अब तक और पता नहीं कैसे कुदरती बच रहा हूँ इसके सामने। मम्मा या लीना जब भी इसका पेपर आएगा, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही हुई थी। नहीं मेरे पे हुई नहीं है ऐसा, बस करो याद करो। कतरा एक भी नहीं आया मेरे ऊपर, माँ के ऊपर तो 5 से 6 दफा सुसु कर चुका जब पेपर चेंज करने के ऐसा सुसु करते ना डायरेक्ट। गंजू बाबा हमारी बातें सुन रहे, कार्टून मेरी तरफ देख रहा है, देखना मैं हाथ पकड़ूंगा नहीं देखना। बाबा ओ बाबा पारशबिता, ये देखो मेरा हाथ पकड़, ये ना इतनी माशाल्लाह प्यारी प्यारी हरकतें करता है ना अभी से ना माशाल्लाह। इसको बांध दो ना फिर अपने आप को खोल लेगा, जान लगाएगा जोर लगाएगा, मेरे बेटे को नज़र ना लगे माशाल्लाह बोल देना। अभी जो है ना बस इसका फेस रिवील करने का वेट कर रहा हूँ, वरना मैं इसकी डेली हरकतें आप लोगों को दिखाया करूँ। कभी मेरे सीने पर बैठा होता है तो सो जाता है, सीने पर बैठा होगा हरकतें करेगा, मैं इसको अपने सीने पर उल्टा लेटा देता हूँ। इसके साथ ना बहुत ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, अल्लाह पाक ना खुश रखे इसको, दुनिया की सारी खुशियाँ इसको दिखाए, सही है ना। इसके लिए अभी बहुत मेहनत हम दोनों ने करनी है, हमारी अपनी सारी ख्वाहिशात ख़त्म हो गई, इसके साथ ज़िंदगी की हर ख्वाहिश पूरी करनी है। तो दोस्तों बस ये बच्चा भी जो है ना तैयार हो जाए, इसके बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ पूरा प्रॉपर तैयार हो जाए, फिर उसके बाद व्लॉग को करता हूँ एंड। व्लॉग हो गया बहुत बड़ा, फिर आगे भी क्या बोलते हैं ना व्लॉगिंग की तरफ जाना है मुझे कि क्या क्या प्रोसेस के ऊपर व्लॉग बनाते हैं। ये कार्टून बनाने थे तब की बात है ना, साथ रहे आप। फाइनली दोस्तों व्लॉग एंड करने का वक्त आ गया, और व्लॉग इतनी लेट में एंड क्यों कर रहा हूँ आप लोग को बता, तो पहले भी एंड कर सकता था, लेकिन मैंने आप लोग को इसलिए बोला कि मुन्ना तैयार हो जाए, मुन्ने को अलीना ने यहाँ पे लेटा दिया, सही है ना। क्योंकि मैंने मुन्ने और अलीना के लिए एक सरप्राइज मंगाया हुआ था, सही है ना, क्योंकि एक PR पैकेज मुझे आना था, वो इस पैकेज के अंदर है, ये मुझे PR आया है, ये अभी अनबॉक्सिंग करनी है और अलीना को दिखाना है कि इसके अंदर क्या है, सही है ना। अलीना बोल रही है आपका PR आया पहली बार और आपने बताया भी नहीं है, तो मैं पहले भी आते लेकिन मैंने छुपा के इसलिए रखा हुआ था, इसके अंदर कोई सरप्राइज है, तो साथ रहें आप लोगों को सबको दिखाते हैं। अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ साथ। दोस्तों बहुत बड़ी जद्दोजहद के बाद ये जो है अभी खुला है, सही है ना। अब मैं जो है अलीना को ये दिखाने लगा हूँ, अलीना ही वीडियो बना रही क्योंकि अभी अरमान जो है सोया हुआ है, तो अलीना को वीडियो बनानी पड़ी और अलीना के रिएक्शन में डायरेक्ट दिखाता आप लोगों को, दूसरे वाले के अंदर साथ में आप लोग को दिखाऊंगा। अभी ये जो पिक्चर है ये मैंने फ्रेम फ्लैक्स वालों के पेज से क्या बोलते हैं ना बनवाई थी, सही है। इन लोगों ने मुझे भेजना था, क्या नाम है ना, दूसरे जो पेंटिंग्स वगैरह लगती है ना, फ्रेम्स वगैरह बनते हैं वो दीवारों पे लगते हैं, लेकिन इन लोगों को मैंने अपनी तस्वीर के बोलते व्हाट्सएप पे DM कर दी थी कि आप जो है ये पिक्चर मुझे बना के दे दें कि मैं अलीना और अपने मुन्ने को सरप्राइज दे दूँ, सही है। तो उन लोगों ने बना के दी, और क्या माशाल्लाह उन लोगों ने बेहतरीन बना के दिया है फ्रेम, और इतनी सारी पैकिंग्स में डाल के भेजा है कि एक स्क्रैच इसके ऊपर नहीं आया, और अभी पन्नी इसके ऊपर चढ़ी हुई है, और सारी चीज़ें ना इन लोगों ने बेहतरीन काम करके भेजा है।
तो जिसने भी अगर पहले पहले तो देख ले सही है ना, बाद में आप लोग को मैं बताता हूँ। पहले ये देखें, ये हमारे मेरी और मेरे मुन्ने की और अलीना की फर्स्ट तस्वीर है मुन्ने के साथ की, सही है ना। ये वो पिक्चर थी मैंने जो दी थी, और एक दूसरी पिक्चर है वो इसके अंदर खोली है, वो इसको भी अभी खोलेंगे, सही है ना। तो ये जो है, आप लोगों ने भी किसी ने भी अगर ऐसे पिक्चर अपनी ऑर्डर करनी है या आप लोग को पेंटिंग्स वगैरह, ये मिरर लगा हुआ है इसके ऊपर, हाँ दीवार पे अगर आप लोगों को फ्रेम्स वगैरह लगाने का शौक है तो ये पेज में नीचे मेंशन कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे जाएं, इनका नंबर भी मैं आप लोगों को नीचे मेंशन कर दूंगा, सही है ना। आप लोग जाएं और जाके ऑर्डर कर सकते हैं, सही है ना। बेस्ट क्वालिटी के अंदर देख सकते हो दोनों तरफ आप लोग हर चीज़, और कितनी प्यारी पिक्चर लग रही है ये देखें आप लोग, सही है दोस्तों। अभी दूसरा फ्रेम जो है ना खोलता हूँ, उसके बाद ब्लॉग को एंड करता हूँ। सो फाइनली दोस्तों, अभी जो है ना अलीना मैडम से सबर नहीं हुआ, इसको मैं बोल भी रहा था मुझे पेज के लिए वीडियो बनानी है, वीडियो बनानी है, इसने ना ज़बरदस्ती जो है इससे सबर नहीं हुआ था कि मैं दूसरी भी क्या तस्वीर है उसने निकाल ली और ना खोल ली। मैं हालांकि इन लोगों का बेचारों का पेज पढ़ रहा था, देखो इन लोगों ने कितना प्यारा लिखा है, हाय हसन खान, वी आर एक्साइटेड टू शेयर आर ब्यूटीफुल पोस्टर फ्रेम्स, बस एंड पढ़ लेते हैं, बेस्ट रिगार्ड टीम फ्रेम फ्लेक्स, सही है ना। ये फ्रेम फ्लेक्स वालों ने जो है मेरे को इतनी प्यारा तोहफा भेजा है, सही है ना, आप लोग भी देख सकते हैं। ये देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये पिक्चर मैंने ये पिक्चर और एक जो है ये वाली पिक्चर, अब ये मेरे बेड पे लगेगी, बेड के ऊपर, सही है ना। तो दोस्तों इनका कॉन्टैक्ट, इनकी क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम की आईडी, सारी चीज़ें मैं मेंशन कर रहा हूँ। जिसने अपने रूम के लिए अपने तस्वीरें बनानी है या इनके क्या बोलते हैं फ्रेम्स वगैरह आप लोगों ने लेने हैं, ऑर्डर कर सकते हैं इन लोगों के पेज पर जाके। तो दोस्तों इस व्लॉग को अगर एंजॉय कर लिया हो तो दुआओं में याद रखना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, अल्लाह।